हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए, आज के इस सेशन में हम लोग एक विशेष स्कैम अलर्ट के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यह जो स्कैम अलर्ट हो रहा है बार बार, इसमें साफ साफ आप थंबनेल पर देख रहे हैं, यूपी कैटेट पीजी में ऑल ब्रांच पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो भी अभ्यर्थी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए थे, सबका क्या लिख रहा है यहाँ पर? साफ साफ सीधे लिख रहा है नॉट अलॉटेड, साफ साफ लिख रहा है नॉट अलॉटेड। और ये आज आप लोग चेक कर रहे हैं, आज 21 तारीख है और ये इस चीज़ को कल ही हम चेक किए थे, कल भी 20 तारीख को, 20 अगस्त को नॉट अलॉटेड आ गया था, ठीक है। और ये रिजल्ट जब कि आना कब था? 22 अगस्त को ये रिजल्ट आ गया, 20 अगस्त को, और आज 21 अगस्त को आप लोगों को वीडियो देखने को मिल रहा है। तो हमने सोचा चलिए, हो सकता है कुछ उसमें परिवर्तन हुआ हो या सर्वर एरर हो गया हो। एक दो लोगों का मैंने बस चेक करके छोड़ दिया, दोनों लोगों का नॉट क्वालिफाई मतलब नॉट अलॉटेड आया। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आज जब हमने सीरियस होके इस बात को थोड़ा सा सीरियस वे में लिया कि देखा आप सभी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट 73 प्लस जो भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग कराए हैं, सबका चेक करके सबके पास व्हाट्सएप पे लगभग मैसेज प्रोवाइड करा दिया गया। अब सभी लोग देख रहे हैं कि हमने सोचा कि एक का नहीं होगा, दो का नहीं होगा, तीन का नहीं होगा, चार का नहीं होगा, बस एक स्टूडेंट सिर्फ हमें पूरे 73 में से सिर्फ एक स्टूडेंट का स्कैम मिला जिसमें था नॉट अलॉटेड नहीं लिखा था, उसके नीचे पूरा ब्लैंक है, अभी उस पर कुछ नहीं किया गया है, वो पूरा ब्लैंक है, सेगमेंट नीचे का खाली है और बाकी लोगों का सबका नॉट अलॉटेड आया है। ये कैसा स्कैम है भाई? सीट तो इतनी खाली थी। चलिए मान लीजिए आपकी रैंक अगर 400 प्लस है, 500 प्लस है, तो आप अपना साइड थोड़ा सा करते हैं आपकी बात। जिसकी रैंक 55 है, 75 है, 184 है, 154 है, 159 है, 200 है, इन सभी अभ्यर्थियों को तो मान लीजिए, चलिए प्लांट पैथोन इकोनॉमी की सीट नहीं खाली थी, एक ओबीसी की खाली थी, तो वो तो मान लीजिए जो 20 रैंक के अंदर होगा, 25 रैंक के उसको मिल गया होगा, उसको छोड़ दीजिए। प्लांट पैथोलॉजी की बाद हम खाली थी, एंटोमोलॉजी की खाली थी, एनडी में पैथो एंटमो स्वायल जीपीबी, सीएसएम में भी जीपीबी, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, चलिए वो सब छोड़ दीजिए। कितने रैंक पे आप ऑल ओवर 92 रैंक पे आइए, जो एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में एक्सटेंशन की एक सीट खाली थी, आपको सीएसएम यूनिवर्सिटी में आपने सीट मैट्रिक्स देखा होगा, ठीक है। इन लोगों को नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है? या तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस प्रकार से सबका नॉट अलॉटेड आया है, जबकि रिजल्ट आना कब है? 22 अगस्त 2024 को, साफ साफ लिखा है नॉट अलॉटेड। क्या यहाँ पर अपलोड पीडीएफ की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, या तो इसके वेबसाइट में कुछ एरर हुआ है या फिर ये एक तरफ से सबका नॉट अलॉटेड कर दिए हैं। पहला रीजन आपका बन रहा है या तो वेबसाइट में एरर है, और दूसरा जो 22 अगस्त को रिजल्ट आना है, या तो हो सकता है वेबसाइट में एरर अगर आ गया होगा तो ये रात या कल सुबह तक ये परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा, ये लोगों ने जानबूझकर नॉट अलॉटेड सबका किया है, जानबूझकर जबरदस्ती तानाशाही जिसको कह सकते हैं अपने भाषा में, जानबूझकर जबरदस्ती ये तानाशाही करके और ये दिए हैं सबको नॉट अलॉटेड। सीट में दिखा दिए कि हमारे पास इतनी सीट अवेलेबल है, और जब सीट लेने गया स्टूडेंट तो वहां पर नॉट अलॉटेड देके भगा दिया गया, ठीक है। अब चलिए, अब पुरानी जो सीट है आपकी, अब दूसरा एक प्रश्न तो समाधान हो गया, चलिए अभी इसका समाधान नहीं हुआ, अभी पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिला है तो आप यहां पर जाइएगा मास्टर फर्स्ट काउंसलिंग में जाएंगे तो जो आपको सीट मिली है वो दिख जाएगी, और उस पर जो अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड करके गया था, अब जाकर के सेकेंड काउंसलिंग में जो भी डेट है उस डेट में आपको
यहाँ पर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एक फ्रेंड सर्कल में, जितने लोगों का किसी का अपग्रेड नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है। मेरे एक फ्रेंड का रैंक 129 रैंक था, उसका भी अपग्रेड नहीं हुआ। भैया जब बता रहे हैं आपको 55 पे नहीं हुआ, 75 पे नहीं हुआ, तो किसी का नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग अपना चेक करते रहिएगा। कल एक बार और रिवाइज हम पूरी अपने जितने भी पेड मेंबर हैं हमारे काउंसलिंग के, सबका एक बार फिर से रीचेक करके और आपको भेजा जाएगा 12 बजे के बाद। क्योंकि मान लीजिए अगर उसमें परिवर्तन कुछ होता है तो 12 बजे के बाद ही, ऑफिशियल वर्क जो 10 बजे है तो 12 बजे के बाद आपका होगा। अब आइए, यूपी कैटेट 2025 में जो भी स्टूडेंट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ पेमेंट करके 9026974841 पर आप व्हाट्सएप करके अपना ले सकते हैं। जो कि ये जो पीडीएफ होगी पीजी की, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, क्योंकि पीजी का पेपर इंग्लिश में आता है। अब आइए, ये जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिला था तो आपको इस डेट में जाना था यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने, लेकिन आपने लगाया क्या, अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन जब लगाया तो इस डेट में आपको नहीं जाना हुआ, यहाँ पे काम खत्म। अब आप दोबारा आ गए 11 अगस्त में, यहाँ पर फीस कटाया, और 22 अगस्त में सब सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित 22 अगस्त को है, तो आप एक दिन पहले या तो मत दें। यूपी कैटेट वालों से मेरा कहना है कि या तो आप एक दिन पहले मत दें, अगर दे रहे हैं तो इस प्रकार से स्कैम या फ्रॉड या मत करें। ठीक है, तो जो कि 22 अगस्त को एक बार फिर से आप अपना चेक कर लीजिएगा धैर्यपूर्वक, 12 बजे के बाद चेक करिएगा। ठीक है, 12 बजे के बाद आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा स्वयं से। जो पेड मेंबर हैं सबका एक बार पासवर्ड आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप अपना पासवर्ड ले लीजिएगा, ले क्या लीजिएगा, हम आपको पूरा अभी शाम तक पूरा कंप्लीट भिजवा देते हैं सबका पासवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए अगर फर्स्ट वाला सीट आपको मिला है और आप चाहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए सेकेंड में नहीं मिलता है तो हमको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो फर्स्ट काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड आपने किया होगा, उसको ले करके पहुंचना है। लेकिन उस पर तो सर दिया है 3 से 6 अगस्त, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप न्यू रिपोर्टिंग डे में, मतलब ये यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग डे में 27 से 29 अगस्त में जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, अब सर इसके बाद क्या कोई काउंसलिंग होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन? जी हाँ, इसके बाद एक ऑफलाइन काउंसलिंग होती है जिसको थर्ड काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो थर्ड काउंसलिंग जो होगी, हो सकता है उसी में स्पेशल काउंसलिंग भी मर्ज करके थर्ड और फोर्थ दोनों एक ही में करा दिया जाए। अभी उसका कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग चैनल को इसलिए सब्सक्राइब किया रहिएगा, देखते रहिएगा, प्रत्येक वीडियो रेगुलर देखते रहिएगा। ठीक है, तो 27 से 29 में अगर आप चाहते हैं तो जाकर के एडमिशन लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको मिला है, सेकेंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो हर हाल में आपको आपको जाकर के एडमिशन कराना होगा। और एडमिशन के दौरान फीस स्ट्रक्चर का एक अलग हम वीडियो बना देंगे, उसे आपको क्लियर हो जाएगा। एडमिशन के दौरान आपको बस एक जगह नीचे टिक करना होगा, अपग्रेडेशन के लिए रिक्वेस्टेड। जब आप इसमें सेकेंड काउंसलिंग में फीस जमा करके अपग्रेडेशन के लिए रिक्वेस्ट पर टिक कर देंगे, देन आप थर्ड काउंसलिंग जो ऑफलाइन होगी उसमें जाकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई, सीट मैट्रिक्स देख लीजिएगा, उसके बाद आप थर्ड काउंसलिंग में जाइएगा, नहीं तो आपने एडमिशन तो यहाँ ले लीजिएगा, यही हॉस्टल अलाट करा के आप अपनी पढ़ाई करिए, कोई इशू नहीं है। क्लास की जो नोटिस है ये आपको जब सेकेंड काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद आपको नोटिस आएगी। ठीक है, अब आइए, अब जो बात है, जो स्कैम हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जो भी आप कह सकते हैं अपने भाषा में, एक तो ये टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप फोन करें, या फिर आपको जो आईबीआर हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप फोन करें। रजिस्ट्रार साहब से तो आपसे बात हो नहीं पाएगी, अगर बात हो पाई है तो कोशिश करिए, जबकि हमने कोशिश करा है तो वो कह रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम अगर है तो आप बताइए, नहीं आपका प्रॉब्लम है, जिस बच्चे का प्रॉब्लम है उस बच्चे को कहिए कि वो फोन करके हमें अपनी प्रॉब्लम बताए। ठीक है, तो मेरा दावेदारी ये कहना है कि आप लोग हमारे पास फोन मैसेज ना करके आप सीधे इनके पास कंप्लेन राइज करिए अपना, और इनको बताइए।
कि हमारी ये समस्या है, और ये रिजल्ट इनसे कहिए कि रिजल्ट का या जो भी डेट है उस डेट पे आप काम करिए, एक दिन पहले ना करिए, ठीक है। एक बार इनसे आप लोग बिल्कुल कंप्लेन राइज अपना करिएगा और ये पूरा सलूशन बताएंगे। हमको तो नहीं बता रहे, हमको कहना है कि आपका अगर है तो आप बताइए, नहीं हो तो हमारा नंबर भी व्हाट्सएप किए हैं। तो समस्या यही है कि आप लोग अपना स्वयं एक बार फिर कल से रीचेक कर लीजिएगा, और इस पर अभी आप जब भी वीडियो देखें ना तुरंत फ़ोन मिलाइए, फ़ोन मिलाइए और बताइए क्या चल रहा है, कि सेकंड काउंसलिंग में दिखाया सीट इतनी खाली है और दिया किसी को नहीं। अब ये एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी एक स्टूडेंट का अगर कमेंट्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आपका सेकंड काउंसलिंग पीजी में अलॉटेड आया है, पीजी में मास्टर्स में आपका अपग्रेडेशन में सेकंड काउंसलिंग में अगर आपका अलॉटेड आया है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन के करके आप अवश्य बताइएगा, जिससे अगर आपका आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से 100% में 100% में से किसी का भी 1% भी स्टूडेंट का अपग्रेडेशन में एडमिशन के लिए या सब्जेक्ट चेंज या यूनिवर्सिटी चेंज नहीं मिला है, या चेंज या फिर नया सीट भी नहीं मिला है। ये आप कल 12 बजे के बाद एक बार 22 अगस्त को 12 बजे के बाद फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही हम देख रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, तो इस चीज़ को समाधान करने के लिए मैं आई होप आपका जो समाधान होगा, समस्या होगा, समाधान हुआ होगा इस वीडियो से, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।